स्वराज में आपके लिए लेकर आई हूँ DIY शीट मास्क कि घर पर हम आसानी से शीट मास्क कैसे बनाएं। तो अगर आप घर पर शीट मास्क बनाना चाहते हैं तो आप मेरे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, जिससे कि आपको मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हनी राइस वाटर शीट मास्क। अब इस हनी राइस वाटर शीट मास्क को हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हनी जो हमारे घर में इजीली अवेलेबल होता है, और हनी जो है वो हमारी स्किन को डीपली नरिश करता है, और ये एक अच्छा जेंटल एक्सफोलिएटर भी है, और ये हमारे जो चेहरा है उस पे से फाइन लाइन रिंकल्स को कम करता है, हमारी स्किन को एकदम सॉफ्ट और सफल बनाता है। तो हनी हमारे घर में इजीली अवेलेबल है। उसके बाद अब हमें लेना है राइस वाटर। राइस वाटर जो है हमारे स्किन पे जितने भी पोर्स हैं उनको टाइटन करेगा ये भी, और जो हमारे स्किन है वो बहुत ज़्यादा ग्लोइंग नज़र आएगी, एकदम ग्लास स्किन जो होती है वो हमारी ग्लास स्किन हो जाएगी। तो इस राइस वाटर को बनाने के लिए हमें लेना है यहाँ पर 3 से 4 चम्मच चावल। उसको हमें अच्छे से धोना है, और धोने के बाद हमें 1 कप पानी डालकर ओवरनाइट सोक करना है। यहाँ पर जो है मैंने 1 गिलास फिल्टर वाटर डाला है, और उसके बाद हम इसे रात भर के लिए भिगोकर रख देंगे ढककर। फिर हमें जब नेक्स्ट मॉर्निंग हमें क्या करना है, ये जो हमारा वाटर जो हमने सोक किए थे इसमें राइस, इस पानी को हम एक अलग से एक बाउल में निकाल लेंगे, और इसमें हमें 1 चम्मच हनी डालना है और उसको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद फिर से हमें लेनी है कैप्सूल शीट मास्क, और कैप्सूल शीट मास्क को हमें इसमें डिप कर देना है। डिप करने के बाद जो हमारी शीट मास्क है वो अच्छे से ओपन हो जाएगी, हमें इसे डिप ही रहने देना है 1-2 मिनट के लिए। फिर उसके बाद सबसे पहले फिर से हमें फेस वॉश करना है, और उसके बाद हम इस शीट मास्क को अपने ऊपर अपने फेस पर अच्छे से लगा लेंगे, और 15 से 20 मिनट तक लगा रहने देंगे। उसके बाद हम शीट मास्क हटा देंगे, और फिर देखना आपकी जो स्किन है वो एकदम ग्लास स्किन हो जाएगी, सॉफ्ट और सफल हो जाएगी, क्योंकि जितना भी कंसंट्रेटेड था राइस वाटर और हनी का वो हमारी स्किन जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगी, जिससे जो हमारी स्किन को एक तरीके से नरिश हो जाएगी, उसको जो खाने को जो मिल रहा था ना वो अच्छे से खा लेगी, और हमारी जो स्किन है वो एकदम ग्लोइंग सॉफ्ट और ग्लास स्किन बन जाएगी। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, जिससे कि आपको मेरी जो नई नई वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।